हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक जेटली आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूजुअली आप लोगों की गवर्नमेंट एग्जामिनेशन CGL वगैरह में जो अक्सर पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है और आपके SSC CGL एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, बैंक PO, बैंक के क्लरिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन है इफ 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज देन वर्किंग एट द सेम रेट 8 मैन और एंड 16 वुमेन कैन रीप द सेम फील्ड इन। सो देखिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, 12 मैन और 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन में देखिए, 12 मैन इज इक्वलेंट टू 18 वुमेन, दैट मीन्स 1 मैन इज इक्वलेंट टू 18 अपॉन 12 वुमेन, 8 मैन इज इक्वलेंट टू 18 अपॉन 12 इनटू 8 इक्वल्स टू 12 वुमेन। नाउ जो 8 बाद में लिखा हुआ है, 8 मैन एंड 16 वुमेन, 8 मैन को हमने कैलकुलेट कर लिया, पहले लिखा हुआ था 12 मैन और 18 वुमेन, तो उससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि 8 मैन आर इक्वलेंट टू 12 वुमेन। नाउ 12 वुमेन और 16 वुमेन, देर आर 28 वुमेन। नाउ सिंपली लास्ट शुरुआत में दिया हुआ 18 वुमेन कैन रीप ए फील्ड इन 14 डेज, सो 1 वुमेन ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड में आपको देखना पड़ता है कि चीज़ बढ़ रही है कि घट रही है, अगर घट रही है तो डिवाइड करना पड़ता है, बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई। 18 वुमेन अगर 14 डेज में रीप कर सकती हैं फील्ड, तो 1 वुमेन ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो 14 इंटू 18, और फिर 28 वुमेन, हमारी टोटल 28 वुमेन हो गई थी, तो 8 मैन को हमने कन्वर्ट कर लिया था 12 वुमेन में, टोटल 28 वुमेन कैन रीप इन 14 इंटू 18, 28 वुमेन कम टाइम लगाएंगी, तो डिवाइड करेंगे 14 इंटू 18 अपॉन डिवाइड बाई 28, सो 9 डेज, सो 9 डेज आंसर हो जाएगा। सो 8 मैन एंड 16 वुमेन कैन रीप द सेम फील्ड इन 9 डेज। इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।